हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल गाइस आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुड के सभी यूज ठीक है तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन इज़ कैन कैन मीन्स सकता है अबिलिटी इन प्रेजेंट ठीक है जैसे हमारे अंदर कोई अबिलिटी हो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते लाइक like जैसे मैं खाना बना सकती हूँ मैं भाग सकती हूँ मैं जा सकती हूँ ठीक है इस तरह से कोई भी अबिलिटी हो हमारे अंदर तो हम उसको कैन लगा कर एक्सप्रेस कर सकते हैं ठीक है अपने दूसरों को बता सकते हैं जैसे आई कैन रन मैं भाग सकता हूँ ठीक है आई कैन रन मैं भाग सकता हूँ ये है पॉजिटिव में अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम नॉट का यूज़ करेंगे आई कैन नॉट रन मैं नहीं भाग सकता ठीक है आई कैन नॉट रन अगर इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हम कैन को पहले रखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जैसे कैन आई रन क्या मैं भाग सकता हूँ ठीक है जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कैन आई रन ठीक है नेक्स्ट है कुड कुड का यूज़ किया जाता है पास्ट एबिलिटी के लिए लाइक like, पास्ट में हमारे पास कोई एबिलिटी थी लाइक like, जैसे मैं नहीं जा सका मैं नहीं कर सका मैं नहीं भाग सका मैं नहीं कर पाया सका पाया या सकता था ठीक है इस तरह से लाइक like, पॉजिटिव में देखते हैं आई कुड गो देयर मैं वहाँ जा सका मैं वहाँ जा सका आई कुड गो देयर इसमें कुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे ठीक है नेक्स्ट है नेगेटिव में आई कुड नॉट गो देयर मैं वहाँ नहीं जा सका आई कुड नॉट गो देयर कुड आई गो देयर इंटरोगेटिव में हम बनाएंगे कुड आई गो देयर क्या मैं वहाँ जा सका ठीक है पास्ट में जो समय बीत चुका है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज़ लगाएंगे और हिंदी में अगर हम इसकी पहचान करें तो सका पाया या सकता था ठीक है इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कुड हैव कुड हैव का मीनिंग है पास हो सकता था ठीक है और बिना क्रिया के विदाउट वर्ब कुड का जब हम यूज़ करते हैं विदाउट वर्ब तो मीन्स कि जैसे हमारे पास कुछ था ठीक है जैसे मेरे पास कार थी हो सकती थी मेरे पास मेरे पास घर हो सकता था मेरे पास बुक हो सकती थी मेरे पास साइकिल हो सकता था मेरे पास बाइक हो सकती थी इस तरह से हो सकता था लेकिन उसमें हम वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे ठीक है जैसे ही कुड अ नाइफ उसके पास चाकू हो सकता था ठीक है कुछ भी हो सकता था उसको हम कुड हैव लगाएंगे लेकिन इसमें वर्ब यूज़ नहीं होगा अगर किसी के पास कुछ हो सकता था तो हम कुड हैव लगाकर सीधा नाउन लगाएंगे ठीक है जिसे नेगेटिव में देखें ही कुड नॉट हैव नाइफ उसके पास चाकू नहीं हो सकता था कुड ही हैव अ नाइफ़ क्या उसके पास चाकू हो सकता था ठीक है इस तरह से अब हम कुड हैव के साथ जब हम वर्ब लगाएंगे देखिए एक तो कुड हैव में हमने बनाया बिना वर्ब के सेकंड हम बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसमें हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये कब यूज़ होगा जैसे कुछ हो सकता था ठीक है हाइपोथेटिकल सिचुएशन लाइक जैसे काल्पनिक का अवस्था मैं डॉक्टर बन सकता था मैं वकील बन सकता था लेकिन मैं नहीं बना ठीक कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसके कारण वो ये काम नहीं कर पाया ठीक है सकता था लाइक आई कुड हैव बिकम अ लॉयर मैं वकील बन सकता था ठीक है सिचुएशन थी बन सकने की लेकिन नहीं बन सका इस तरह से काल्पनिक अवस्था में जब हम बात करते हैं पास्ट की ठीक है आई कुड नॉट हैव बिकम अ लॉयर मैं नहीं बन सकता था कुड आई हैव बिकम अ लॉयर क्या मैं वकील बन सकता था इस तरह से इन वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे ठीक है बिकेम की थर्ड फॉर्म होती है बिकम बिकेम बिकम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुड बी और कुड हैव बीन इन दोनों का मीनिंग होता है हो सकता था ठीक है यहाँ हम समझ रहे हैं बिना क्रिया के विदाउट वर्ब दोनों को हम पहले विदाउट वर्ब समझेंगे उसके बाद हम वर्ब के साथ समझेंगे यानी पैसिव फॉर्म में ठीक है ही कुड बी इन द किचन बिना वर्ब के ठीक है विदाउट वर्ब वह रसोई में हो सकती थी ही कुड बी इन द किचन ही कुड बी एट होम वो घर पे हो सकती थी शी कुड बी एट पार्लर वह पार्लर में हो सकती थी कहीं होना ठीक है हो सकती थी वो छत पे हो सकती है शी कुड बी इन एट द रूफ इस तरह से अब है कुड हैव बीन दोनों का मीनिंग सेम है तो मैंने दोनों के सेंटेंस जो है वो सेम रखे हैं आप कुड बी का यूज़ भी कर सकते हो और सेम टाइम पे कुड हैव बीन भी लगा सकते हो वो भी रॉन्ग नहीं है वह रसोई में हो सकती थी शी कुड हैव बीन इन द किचन बट इसमें क्या है कि आपको विदाउट वर्ब इसका यूज़ करना है इसमें वर्ब यूज़ नहीं होगा विदाउट वर्ब कुड बी और कुड हैव बीन का मीनिंग होता है हो सकती थी या हो सकता था ठीक है ही कुड हैव बीन एट होम शी कुड हैव बीन एट पार्लर ठीक है इस तरह से विदाउट वर्ब बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको यूज करना है एक बी का यूज होगा विदाउट वर्ब और एक बी का यूज़ हम आगे देखेंगे वर्ब के साथ जो कि पैसिव फॉर्म में बनाया जाता है लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है हो सकता था नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पैसिव कुड हैव बीन के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो उसका सेंस बैठता है ये किया जा सकता था उसको भेजा जा सकता था ये काम किया जा सकता था इस तरह से और सेम कुड बी के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो सेम मीनिंग बैठेगा कि जा सकता था कुछ बच्चे जो हैं जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कुड हैव बीन और कुड बी ये क्या है मतलब वो नहीं समझ पाते ठीक है देखिए वी कुड हैव बीन सेंट हमें भेजा जा सकता था ये पैसिव फॉर्म में बनाया गया है वी कुड बी सेंट इसका भी सेम मीनिंग है उसे भेजा जा सकता था अगर हम चाहते हैं तो बाय लगाकर हम सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं ठीक है क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा देखिए उसे भेजा जा सकता था लेकिन भेजने वाला कौन है वो नहीं दिखाया गया यहाँ पे। इट मीन्स ये पैसिव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ठीक है जैसे वी वी कुड बी सेंट बाय हिम ठीक है बाय मी उसे मेरे द्वारा भेजा जा सकता था ही वी कुड बी सेंट बाय मी जैसे ही कूड हैव बिन कॉट उसे पकड़ा जा सकता था ही कुड बी कॉट उसे पकड़ा जा सकता था दोनों की जो मीनिंग है वो सेम टू सेम है ठीक है सिचुएशन सेम है लेकिन हम कुड हैन के साथ भी बना सकते हैं तो वही सेंस बैठेगी कुड बी के साथ बनाएंगे तो वो सेम सेंस बैठेगी ठीक है इसका आपको ध्यान रखना है देखिए पिछली स्लाइड में मैंने विदाउट किरिया आपको बताया वर्ब के बिना क्या सेंस होगी मीन्स पास हो सकता था हो सकता था कुछ भी ठीक है नेक्स्ट है जा सकता था पैसिव फॉर्म में क्लियर है तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा